24 में आपका स्वागत है। मैं आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव। आज के ताजा खबरों पर एक नजर। सपा में सत्ता के लोभ में पुत्र ने पलट दिया पिता तख्ता। खबरें विस्तार से। कुशीनगर बृहस्पतिवार को पडरौना नगर के उदित नारायण डिग्री कॉलेज के मैदान में भारतीय युवा मोर्चा द्वारा चुनावी समर के दौरान आयोजित युवा लक्ष्य सम्मेलन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि युवा ही देश के कर्णधार है। अगर वह असली रास्ते से भटक जाएंगे तो देश गर्त में चला जाएगा। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी जाति समुदाय के उत्थान के लिए जो किया वह काम आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया था। श्री शर्मा ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी तो ऐसी है कि पुत्र ने पिता की गद्दी को पलट कर ले लिया। जो गुलाम भारत में हुआ करता था उसे संस्कार के साथ लोकतंत्र विहीन पार्टी बताया। उन्होंने सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वर्ण योजना चलाकर तमाम लोगों को रोजगार देने का काम किया। पूर्वांचल के लोग बीमारियों से मरते थे, जहां मेडिकल कॉलेज सहित तमाम व्यवस्था मरीजों के लिए उपलब्ध कराया। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक गरीब को 500,000 रुपए का मुफ्त इलाज, सौभाग्य योजना के तहत तमाम लोगों को फ्री विद्युत कनेक्शन, शौचालय, पक्का मकान, फ्री गैस कनेक्शन सहित तमाम उपलब्धियों को उन्होंने गिनाई। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर काफी कहा कि जब तक हमारी शिक्षा सही दिशा में नहीं जाएगी तब तक देश विकास के रास्ते पर जाने से भटक जाएगा। उन्होंने कहा कि देश को विकास के रास्ते पर लाने के लिए शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने का काम किया गया है। श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का काम किया है, जो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्षों में किया है 70 वर्षों में कांग्रेस नहीं कर पाई थी। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी विजय दुबे ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि चोर मुकाबला करना चाहते हैं, जनता उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम करेगी और भारी मतों से जीताकर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का काम करेगी। इस दौरान उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी ने जो देश के लिए त्याग किए आज तक देश हित में किसी ने नहीं किया है। इस कार्यक्रम के दौरान युवा कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर विराट चंद कौशिक, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा गोरखपुर क्षेत्र रणजीत राय, भारतीय जनता पार्टी के कुशीनगर के प्रत्याशी विजय कुमार दुबे, जिला अध्यक्ष जय प्रकाश शाही, प्रभारी लोकसभा जनार्दन गुप्त, संयोजक लोकसभा ललन मिश्रा, विधायक फाजिल अंगर, गंगा सिंह कुशवाहा, विधायक कुशीनगर रजनीकांत मणि त्रिपाठी, विधायक जटा शंकर त्रिपाठी, विधायक हाटा पवन केडिया, जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा नितेश यादव, महामंत्री भाजपा कन्हैया शाही, संजीव दीक्षित, अवधेश प्रताप सिंह, धनंजय तिवारी, प्रदीप पांडे, विजय जायसवाल, मोहन वर्मा, ए दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश्वर सिंह, लाल बाबू वाल्मीकि, अतुल सिंह, संजय सिंह, मुन्ना फूलबदन कुशवाहा, संदीप श्रीवास्तव, शैलेंद्र तिवारी, शशांक कुमार दुबे, धनंजय तिवारी, विनय प्रकाश, वार्ड अध्यक्ष जिला पंचायत चंद्रभान कुशवाहा, मोहन चौहान, किशोर यादव, बंका सिंह, पडरौना नगर पालिका के चेयरमैन विनय कुमार जायसवाल, वाल्मीकि पांडे, दीप लाल भारती, विजय शुक्ल, नीलेश मिश्र, पिंटू, संदीप श्रीवास्तव, शैलेंद्र तिवारी, मोहन चौहान, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रभा पांडे, युवा नेता नीरज सिंह, विटकटू के अलावे भारी तादाद में लोग उपस्थित रहे। के न्यूज 24 से आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव के साथ सुनील कुमार तिवारी की रिपोर्ट। लोगों को रोजगार दे, इसके लिए हमने काम किया है। इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि आज के चुनाव में आप देखते होंगे ये शहर चाहे आपका आज बड़े दावे किए जा रहे हैं, एक हमारे नेता है वो आज वक्त आज आज वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपने वरिष्ठों का सम्मान नहीं करती। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी अपने वरिष्ठों का सम्मान नहीं करती। हमको आज भी दीनदयाल जी की फोटो है, आज भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो है, आज भी हम काम करते हैं तो लाल का धनवाणी वोट डाले थे। आज जैसे जैसे चरण मतदान के बढ़ते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा वातावरण दिखाई पड़ रहा है। सुबह मैं सीतापुर में था, हजारों हजार की सभा आज रही थी, श्रीनगर में भी, कि आज का एक तरफा वातावरण पूरे देश में जो है उसका संदेश उत्तर प्रदेश में साफ आज जगह जगह जिस प्रकार से जो हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार उसने काम किया है उसका प्रभाव निचले स्तर के जो गरीब और दलित और पिछड़े हैं उन पर खासतौर से दिखाई पड़ा है। जैसे जैसे मतदान आ जा रहा है
विपक्ष बेमानी का ईवीएम का रोना रोने लगता है। ईवीएम का रोना जब होए तो आप ये बिल्कुल निश्चित मान के चलिए कि वो हार के कगार पर पहुंचा हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीते तो ईवीएम अच्छा था, उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं या देश में लोकसभा के चुनाव हार रहे हैं तो ईवीएम के लिए चुनाव आयोग को देंगे, उसके बाद राष्ट्रपति को प्रत्यावेदन देंगे, उसके बाद रिट याचिका दायर करेंगे, फिर समोसा खाते हुए भूख हड़ताल पे बैठेंगे और भूख हड़ताल के बाद कहेंगे जब हार जाएंगे तो कहेंगे हमने तो पहले कहा था। विपक्ष आज मुद्दा विहीन है और जिस प्रकार से हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ साथ पूर्वांचल में एम्स की स्थापना, मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना और गन्ना किसानों के लिए विशेष कार्य योजना को हमने तैयार किया है, निश्चित रूप में इसका सकारात्मक जो प्रभाव है वो जनता के पक्ष में पड़ा है। और आज इसी कारण से कुछ नेता मोदी जी को और योगी जी को गाली दे रहे हैं, अश्लील और अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आसिफ, पिछले बार हत्यारा कहा था और पुलिस कहा था और चाय वाला कहा था, पूरे देश से सूखड़ा साफ हो गया। अब की एक नेता योगी जी को नीच कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश से सूखड़ा साफ होना बिल्कुल निश्चित है। इसलिए आज के उसे हम लोगों ने उस लोकतांत्रिक जनता से केवल यही कहा है कि अपने मतदान को करिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान। ये हिंदुस्तान कैसे चलेगा जो पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखता है उमर अब्दुल्ला, वो बताएंगे ये हिंदुस्तान राष्ट्रवादियों के द्वारा चलाया जाता है, ये पाकिस्तान वादियों के द्वारा नहीं चलाया जाता। जो लोग पाक की भाषा बोले, जो कश्मीर के विभाजन की भाषा बोले, जो 370 को हटाने पर देश में कश्मीर चले जाएगा इसकी भाषा बोले, जो ये कहें कि हम दूसरा वजीर आजम यहाँ पर बना देंगे इसकी धमकी दें, उनको कोई हक नहीं है इस प्रकार का कहने का। बीजेपी ने प्रत्याशी जिनको भी खड़ा किया है सब राष्ट्रवादियों ने। मुख्यमंत्री जी, कुशीनगर में बदले की भावना से काम करें ऐसा कतई नहीं करेंगे, लेकिन अगर गलत पाया गया तो चाहे जिसका हो उसमें भेदभाव नहीं, गलती करने वाले के साथ दंडा, लेकिन अभी आचार संहिता का हम पालन करेंगे। चुनाव के बाद अगर कोई प्रकरण आता है तो मुख्यमंत्री जी, मायावती ने चुनाव आयोग पर निष्पक्षता का सवाल आरोप लगाया है। मुझको तो लगता है सपा के पास में लखनऊ जासी नहीं मिल पा रहा था, सपा बसपा और कांग्रेस के पास में, उनको इतनी शर्म आ रही थी कि लखनऊ से ना करके वो बिहार से एक जगह प्रत्याशी लाए और दूसरा प्रत्याशी कांग्रेस लाई मध्य प्रदेश से, तो ये लोग आके लखनऊ में क्या मुकाबला करेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज ना मोदी जी के खिलाफ कोई प्रत्याशी मिल रहा था, ना राजनाथ सिंह जी के खिलाफ मिल रहा था। अमेठी, रायबरेली, कन्नौज और आजमगढ़ ये जो वीआईपी सीटें बनी थी ये सब हार गए। मुख्यमंत्री जी, मायावती ने चुनाव आयोग के निष्पक्षता पे सवाल खड़ा किया है, मायावती जी ने चुनाव आयोग के निष्पक्षता पे सवाल खड़ा किया है। कर्म और क्रिया उल्लंघन की, संविधान के उल्लंघन की कोई करेगा और आरोप एक संवैधानिक संस्था पर लगाएगा ये उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पर, चुनाव आयोग पर लोगों को विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को दोषी ठहराया है, न्याय कटघरे में खड़ा किया है। पूरे का बना पूरा।